सरस्वती का नाम मनाया जाए, अजय तो मनाया नहीं गया, इंशाल्लाह पूरे पंजाब से मनाया जाएगा, जितने जितने पंजाबी है उतने उतने इंशाल्लाह वो पंजाबी जानवेगा। साड़ी जबान साड़ी सदियां तो जबान, साढ़े चार हजार साल तो साड़ी जबान है, तो असियां नूं नहीं मरन देना, यह जिंदा रहेगी, ये साढ़े बाबियां की बोली है। अंबर का मैं बूआ खोल के वेखांगा, रब के नाल पंजाबी बोल के वेखांगा। अज का दिन मदर लैंग्वेज डे के हवाले नाल मैं समझना कि पूरी दुनिया इस गल तो अगाह है कि अज के दिन की बुनियाद सिर्फ इस गल ते रखी गई सी कि जबान के असूल वास्ते कुछ नौजवानों कुर्बान रहे थे, आलमी सतह से अज का दिन पंजाबी जबाना या आलमी जबाना दिन मिथ्या गया। मैं समझना वा कि पंजाब पंजाबी जबान कसम खुशी का शिकार है और उन्होंने वो हक हासिल नहीं जिहड़ा बाकी जबानों वास्ते। असी अज के दिन इस तहरीक वास्ते इकट्ठे हुए हैं कि पंजाबी जबान नूं जरिया तालीम बनाया गया, उन्हें वो हक दिता जाए जिहदे मुस्तहक बाकी सूबे उन्हां दी जबाना जरिया तालीम, लेकिन साढ़े को तालीम का हिस्सा नहीं ना रोटी रोजी ना जुड़ी। लिहाजा अज के दिन असी गवर्नमेंट तो ये मंग करने हैं, ये मुतालबा करने हैं कि पंजाबी जबान नूं जरिया तालीम बनाया जाए, पहली जमात तो पढ़ाया जाए, ये बच्चों पढ़िया रोजगार दिता जाए। सो अज के दिन असी तमाम पंजाबी तंजीमां नूं गवर्नमेंट अगे मंग करांगे कि बुनियादी तौर पर पंजाबी जबान नूं जरिया तालीम बना के साडा यह मुतालबा पूरा किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैसेज सीधा सीधा ही है जी, जिहड़ा साडी मां ने बोली बोली है ते जिहड़ी सदियां तो चार साढ़े चार हज़ार साल तो चली आ रही, और मज़े की गल है कि इस लैंग्वेज नूं अज तक तारीख कदी भी सरकारी सरपरस्ती हासिल नहीं हुई, और ये जमीन चो उगी है और ये जड़ा चो उगी है साढ़े, और बगैर सरपरस्ती तो जिहड़ी पाँच हज़ार साल तो सरवाइव कर रही है, ते ओ दी मांग कर रहे हैं कि हाई कोर्ट का भी फैसला है कि तुसी ये प्राइमरी तो लागू करो। साड़ी अज यही मांग है कि वेखो जब असी आईनी और कानूनी तौर पर असी बड़े पूरा अमन एहतजाज है साडा, और हर साल करते हैं असी मांग करते हैं, और अलहमदुल्ला ज़्यादा तंजीमां साडे च शामिल होंदियां जा रही, रोज़ रोज़ बहुत ज़्यादा हो रही, लोगों नूं ये शऊर आंदा जा रहा कि जिन्ना चिकर तुसी बेसिक मदर लैंग्वेज नहीं लागू करोगे तो साडे बच्चे विदेशी लैंग्वेज किन्नी देर पढ़ते रहेंगे। ये गल क्लीयर है कि साडी 1% भी किसी होर जबान नाल कोई लड़ाई नहीं, वह भी साड़िया जबाना जबान जबान होंगी है, यदा ना कोई मजहब हों, सिर्फ जमीन होंगी है, लोग होंगे ने बस, कोई मजहब नहीं है, कोई फर्का नहीं होंगे, सारिया जबाना एहतराम करते हैं। तो असी ये साड़ी मंग है कि गौरमेंट ऑफ पाकिस्तान गौरमेंट ऑफ पंजाब भी साड़ी मदर लैंग्वेज का एहतराम करे ना, तो वह लागू करे ताकि साढ़े बच्चे जोग्राफी तौर पर जोड़े वो वोकल कार्ड डिजाइन होंगे ने पंजाबी लई ओदे विच पढ़े ते ओ रट्टे दी बजाए सोच समझ के करे, ते जे अगर असी अगे जाना रिसर्च दे विच अगर किसी तालीम च अगे जाना अगर तरक्की करनी है खानदगी दी शरह वधानी है ते फिर तुसी औखियां ते विदेशी दी बजाए तुसी मदर लैंग्वेज दिओ जिच साडी मां ने झूठे दिते, साडी मां ने सानू गल्लां कीतियां तोतली जबान च सिखाइयां, ते असी ओदे च ते फट समझांगे। साड़ी यही डिमांड है हुकूमत पंजाब तो हुकूमत पाकिस्तान तो कि साड़ी ये मंग पूरी की जाए तो मदर लैंग्वेज साड़ी लागू किया जाए पंजाब। सर कोई अपने पंजाबी दे दो शेर भी पंजाबियों को सुना दो। सजना कीती अज तारीफ है, सजना कीती अज तारीफ है, तैनू की तकलीफ है, मिलिया वरिया बाद रिलीफ है, तैनू की तकलीफ है, रांझा मुड़ मुड़ इको गल ही कैदो नूं फरमाउंदा, और बाकी सारा पिंड शरीफ है, तैनू की तकलीफ है। सर मैसेज एक ही है कि जबान के बिना कोई भी कौम जी नहीं सकती, ये इंज ही होंदा है जिवें जिसम दे विच रूह है जिवें जिसम दे विच साह है, अगर तुसीं साह कढ दोगे तो वह मुर्दा जिसम होएगा, जिहड़ा बाजार देखण नूं तो इंसान ही होएगा लेकिन उसके अंदर कोई हलचल नहीं होएगी, उसके अंदर कोई क्रिएशन नहीं होएगी, उसके अंदर कोई तुसीं तरक्की नहीं देख सकोगे। दुनिया की हर कौम ने अपनी जबान दे विच तरक्की की है, और जबान तरक्की की बुनियाद होंदी है क्योंकि अपनी जबान तुहानूं पहला एतमाद देती है, दूसरी बोली तुहानूं एतमाद दे ही नहीं सकती कि तुसीं अगे तरक्की करनी है तुसीं अगे वधना है। सो पंजाबी इस टाइम अगर असीं देखिए उन्हां दा लिटरेसी रेट वो बहुत पिछे जा रही है, अगर असीं अज तो 150 साल का पहले का पंजाब का असीं देखिए लिटरेसी रेट तो वह इस तो वध सी,
दुनिया ने तरक्की की, साइंस ने तरक्की की, टेक्नोलॉजी अगे आई, लेकिन उसके बावजूद पंजाबी पिछे है। पंजाब दुनिया को कोई प्रोड्यूस नहीं कर रही है, पंजाब अपने पंजाबियों वास्ते कख नहीं कर रही है। इत्थे सिर्फ और सिर्फ दौलेशाही चूहों की तादाद वो बढ़ती जाती है। असी ये चाहते हैं कि पंजाबियों नूं पूरा इंसान होने का हक दिता जाए, और पूरा इंसान किसी भी कौम के अंदर जिवें पहले आख्या वो अपनी बोली दे नाल बनता है, वह लिटरेचर उस नूं बनाता है, उस बोली के अंदर जो हज़ारा साल का वो अंदर एक विरसा होंदा है, एक सोच होंदी है, एक लोक दानिश होंदी है, वो उस नूं वड्डा इंसान बनाती है। सो जिवें वारिस शाह जम रहे सी, बुल्ले जम रहे सी, अज पंजाब आम बंदा जम रहा है जिस सोसाइटी दे विच कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। सो साडा भी हक है 13 करोड़ पंजाबियों का कि इन्हां नूं पूरा इंसान बनन दिता जाए, इन्हां ते हुण बैड़ियां सियासतां जिहड़ियां हन ओह करनियां बंद कर। देखो जी, मां बोली तिहार ते असीं पंजाबियों नूं पैगाम देना चाहांगे। इस तों पहले असीं सरकार नाल मुहातब हां कि इस मुल्क नूं आजाद होए नूं 74 वरे हो चुके ने। जी जी, जिद्दां कि साडा इक सादा जिहा मुतालबा है कि पाकिस्तान दे कानून दे आइन दे मुताबिक जिस तरह दूजिया सूबे च उन्हां दीआं मां बोलियां अते उर्दू पढ़ाई जा रही है, इदां साडी भी मंग है कि साडे बच्चों साडे स्कूलों कालजा च पंजाबी नूं बतौरे लाजमी वजों पढ़ाया जाए, क्योंकि ये साडा आइनी हक भी आ, साडा कॉन्स्टिट्यूशन हक भी आ, और यूनैसको भी यही कहता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आर्डर भी आ चुका है। साडी मंग है कि पंजाब के स्कूलों कालजा च पंजाबी नूं बतौरे लाजमी मजमून नाफज किया जाए। अच्छा राज साहब, जो दोस्त पंजाबी जोड़े ने साडे वो पंजाबी बोलने च झकते हैं, वो समझते हैं कि अगर असं पंजाबी बोली तो अनपढ़ जाहल लगेंगे, असं उन्होंने भरावान को की पैगाम देना चाहते हो? वीर जी, मैं इन्हें पंजाबी रखा क्योंकि देखिए अपने जोड़े पंजाबी भरा ने जो कनेडा अमरीका च वसते हैं, जी जी, और 10-10 करोड़ की गड्डी फरारियां थले होंदियां ने, उन्होंने को लैम्बरगिनियां प्राडुआ होंदियां ने, और बड़े फखर नाल बड़े मान नाल पंजाबी बोलते हैं। असं पंजाबी दे वारस आ, पंजाबी साडी बोली है। धर्मां तों हट के साडी अगर आपां जो धर्म की गल भी करिए 1941 की मरदमशाही मुताबिक पंजाब जिहड़ा कि अपना सांझा पंजाब सी, लहिंदा पंजाब, चढ़दा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा अते यूटी चंडीगढ़, उस दे विच भी 58% आबादी मुसलमाना दी सी, 38% आबादी 30% आबादी हिंदुआं दी सी, 15.8% आबादी सिखां दी सी। पर अफसोस की गल है कि हिंदू हिंदी वाल चले गए, मुसलमान उर्दू वाल चले गए। वेख्या जाए तो यह पंजाबी ये बाबे वारस की बोली है, बाबे बुल्ले शाह की बोली है, बाबे नानक की बोली है, शेख फरीद की बोली है। अज अगर असी वेख्या जाए कि असी इस्लाम की रोशनी अगर मालामाल है तो इन्हां ही पंजाबी बजुर्गों पीरां की वजह तो है। सो पंजाबीओ, जिहड़ा बंदा पंजाबी हो गया पंजाबी तो नफरत करता है वह दरअसल अपनी माँ तो नफरत करता है, वह अपने प्यो तो नफरत करता है। जिहड़ा बंदा अपने जवाकों नूं कहिंदा है कि बेटा तुसीं पंजाबी ना बोलो, वो ये कहना चाहता कि पुत तेरी दादा दादी गंदे लोग सन, ये पंजाबी बोल रही, आपां पंजाबी नहीं बोलनी। देखा जाए तुसीं देखो कि चीन वाले या तुसीं देख लो जापान वाले, वो आपकी माँ बोली है बोल के अज कितने पहुँचे ने, और साडी कौम के कुछ लोग सो काल मम्मी डैड तबका इन्ना मुनाफा का कि वो टिकटॉक पंजाबी गाने बनाते हैं, वो सिद्धू मूसे वाला सुनते हैं, वो करण ओजला सुनते हैं, जब पंजाबी बोली तो उन्होंने माँ मर जाती है। या तो फिर असं कहने कि तुम अगर फिर टिकटॉक भी अपनी जगजीत की उर्दू गजलों से बनाओ। गल यह है कि भाषा जबान बोली कोई भी बुरी नहीं, असं कहने कि बच्चों को उर्दू भी सिखाओ, अंग्रेजी भी सिखाओ, पर उन्होंने ये ना आखो भी पंजाबी गलत जबान है, उन्होंने दसो भी पंजाबी साड़ी माँ बोली है, साढ़े बजुर्ग जबान है, और इन माँ ना बोलिया जाए। तो असं एक ही गल कहे कि पंजाबी साढ़े दिल च वसते हैं, चाहे किसी भी धर्म ने तलक रखते हो, साडा एक ही डर है कि वसदा रहे पंजाब, लेंदा ते चढ़दा पंजाब। बहुत शुक्रिया।